हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस राय। आज है 22 अगस्त। तो देखते हैं हम आज का जो दैनिक जागरण का न्यूज एनालिसिस, तो अभी जल्दी से शुरू करते हैं। तो अब आपको पता है कि एशियन गेम्स चल रहे हैं, तो एशियन गेम्स में से क्वेश्चन जरूर आएगा। अभी जो भी हाल फिलहाल 15 या 20 दिन के अंदर जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, या फिर आगे आने वाले 2 या 3 मंथ्स में जो भी एग्जाम्स होंगे, उनके अंदर एशियन गेम्स में से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो मैं एशियन गेम्स के लिए रिगार्डिंग आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूं कि एशियन गेम्स क्या है। अभी आप देख लीजिए, सबसे जो लेटेस्ट करंट अफेयर है कि 16 साल के सौरभ को सोना। तो इन्होंने 16 साल का सबसे छोटा प्लेयर है ये, 16 साल के जो सौरभ है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए मैं आपको एशियन गेम्स के बारे में बता देता हूँ। एशियन गेम्स अभी जो 18वें एशियन गेम्स है, 18th एशियन गेम्स, ये कहाँ खेले जा रहे हैं? जकार्ता पेलम्बेंग 2018, इसके अंदर एशियन गेम्स है। और पहले कहाँ खेले जाने थे? पहले ये था शेड्यूल थे वियतनाम के अंदर। तो आपको ये दो चीजें पता लग गई हैं। तीसरी चीज, एशियन गेम्स सबसे पहले कहाँ आयोजित किए गए? तो ये सबसे पहले 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 2010 में एशियन गेम्स कहाँ पर आयोजित किए गए? तो उसका आंसर है चाइना। 2014 के अंदर साउथ कोरिया। 2018 के अंदर इंडोनेशिया। 2022 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है चाइना। और 2026 नगोया, जो कि जापान के अंदर है। और एशियन गेम्स हर 4 साल बाद ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अब इनको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, तो ये याद रखिए। और इनको रेगुलेट कौन करता है? एशियन गेम्स फेडरेशन। तो इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी बता दिए हैं, और जो भी आपको और क्वेश्चन आएंगे मैं आपको डेली बताता रहूंगा। तो डेली न्यूज एनालिसिस देखा कीजिए, और आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। आपको पता है हमारे चैनल का नाम है स्टडी मास्टर, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर फर्स्ट टाइम है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। और डेली फ्रेंड्स चैनल पर आके देखा कीजिए, डेली आपके लिए 2 वीडियो तो होती ही होती हैं, एडिशनल में आपके लिए काफी वीडियोज होती हैं। एक वीडियो जो करंट अफेयर डेली अपलोड कर दी जाती है, दूसरी जागरण एनालिसिस की, तीसरी वीडियो हरियाणा पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस सेट है, और चौथी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डेली डाली जाती है। तो इनको देखते रहिए फ्रेंड्स, और प्लीज हर वीडियो के नीचे कमेंट किया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए अब इनका आया फिर शुरू हो रहा है शांति प्रक्रिया। इमरान, तो इन्होंने कहा है कि अभी सिद्धू जी गए थे वहां पे, तो ओपोजिशन बोल रही है, अभी बीजेपी बोल रही है कि ये देशद्रोही है, बहुत कुछ बोला जा रहा है। तो यार ये सारी पार्टियां ऐसे ही करती हैं, जब मोदी जी गए थे तो कांग्रेस ही ऐसा बोल रहे थे, तो ये कोई बड़ी बातें नहीं है। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये कह रहे हैं नीरव मोदी और महल चौकसी के बंगले गिराए जाएंगे, चलो अपने को क्या है, गिराने दो यार। चलिए हम सिर्फ वही करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये मलिक बने जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल, लालजी टंडन को बिहार की जिम्मेवारी। तो बिहार के नए राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। और जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल कौन है? मलिक। तो फ्रेंड्स इनका नाम पूरा, मलिक का पूरा नाम बताइए मुझे कि मलिक का नाम क्या है। और मुझे ये बताइए कि जो कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के राज्यपाल थे, अब इनको कौन सा राज्य मिला है, और हरियाणा के नए राज्यपाल कौन है? तो प्लीज दोनों चीजें नीचे कमेंट कीजिए, फिर कल आपको इसका मैं आंसर दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कौन सी न्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी न्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज की। तो आज बकरीद है फ्रेंड्स, आपको पता है आज 22 अगस्त है, तो आज बकरीद है, सरकारी छुट्टी है। तो ये आपके बारे में, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये भी सारे राज्य चुनाव में नहीं होगा नोटा का विकल्प, तो भी राज्यसभा चुनाव है। चलिए नोटा, नन ऑफ द अबव, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये कब लागू किया गया तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। ये 2011, 12, 15, 2014, ये कब लागू किया गया नोटा, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कई बार, एसएससी के अंदर एक सवाल पूछा गया है, प्लीज इसका आंसर कीजिए। और प्रैक्टिस सेट करना तो रोज शाम को अपलोड कर दिया जाता है डेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, ब्रांड बिम्स्टेक के लिए अहम होंगे काठमांडू बैठक। तो काठमांडू बैठक 30 अगस्त को होने जा रही है काठमांडू में, जो कि बिम्स्टेक देशों के है। चलिए बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। बिम्स्टेक ये लिखा हुआ है, बिम्स्टेक ये भी लिखा हुआ है, तो ये लोगो बिम्स्टेक का भी इंडिया के अंदर बना दिया गया है। बिम्स्टेक के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं प्लीज बताइए, बिम्स्टेक के अंदर कितनी कंट्रीज है, और फिर सार्क के अंदर कितनी कंट्रीज है, सार्क के अंदर प्लीज बताइए। फिर कल मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा बिम्स्टेक सार्क के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हो कल का लेक्चर जरूर देखिए। और तीसरा है जो ब्रिक्स, ये 3 चीजों के बारे में कल आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी, ये कब फाउंड की गई, कौन कौन सी कंट्रीज है, इनका बनाने का क्या कारण था, और इनके फाउंडर और इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, तो ये सारा आपको कल बताया जाएगा। आप प्लीज आज आप कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है। और ये देखिए कितना अच्छा दे रखा है,
झूठे आरोपों पर हम ध्यान नहीं देते, सच्चे आरोपों को आप बेबुनियाद बताते हैं, आपका कोई विरोध करे तो कैसे करे। तो ये मोदी जी के बारे में बात की जा रही है। चलिए और देखते हैं फ्रेंड्स, अभी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए और भी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहे हैं खराब प्रबंधन ने आपदा को बनाया, बाढ़ का बनाया आपदा। तो ये कह रहे हैं कि जो केरल के अंदर बाढ़ आई है वो उसको क्यों बनाया जा रहा है, कि उनका जो प्रबंधक, केरल का जो प्रबंधक खराब था, उनका जो सिटीज थी, उनका सारा जो सिस्टम था वही खराब था, उनके सीवरेज सिस्टम खराब थे। और उन्होंने काफी कुछ बोल रखा है कि वहां की भौगोलिक संरचना एक बड़ा कारण था। क्यों? क्योंकि केरल की जमीन मतलब काफी ऊंची नीची है, तो जहाँ पे नीचे जो समुद्र तल से भी काफी नीचे की जमीन है, वहां पे रहने लायक जगह नहीं थी। वहां पे लोगों ने क्या कर रखा है, इंडस्ट्री शुरू कर रखी है, रहने के लिए जगह बना रखी है, मकान बना रखे हैं और काफी प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं, तो वो जगह ऐसी नहीं थी, वहां पे लोग रह रहे थे। बाढ़ आएगी, बारिश आएगी तो और डूब जाएगी। और यह इंसान निर्मित आपदा है, ये कोई नेचुरल कॉज से नहीं हुई, इंसानों ने बनाई। क्यों? नदियों को यूज कर रहे हैं, नदियों की जगह पे वहां पे क्या जल संसाधनों के प्रबंधक में चूक, तो वहां पे जो नदियों के अंदर नदियों को सिकुड़ मतलब छोटा किया जा रहा है, नदियों के साथ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, तो ये सारी इंसानों की ही प्रॉब्लम है। और फ्रेंड्स अभी कल न्यूज आई थी कि 164% अधिक बारिश हुई, तो ये पूछा जाएगा कि केरल के अंदर सामान्य बारिश कितनी हुई थी, तो 287, तो आप इसको याद रख सकते हैं 280 से 290 के बीच, तो ये बारिश मिलीमीटर के अंदर मापी जाती है, तो याद रखिए फ्रेंड्स। चलिए ये बताइए बारिश को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, बारिश को मापने के लिए। चलिए बारिश को मापने के लिए बताइए, कल से मैं आपको आंसर दूंगा। स्मार्ट सिटी नया रायपुर अब होगा अटल नगर, तो याद रखिए फ्रेंड्स, स्मार्ट सिटी जो रायपुर था, नया रायपुर, रायपुर किस कौन सी स्टेट की राजधानी है, प्लीज बताइए रायपुर कौन सी स्टेट की राजधानी है, ये लिखा भी है, प्लीज नीचे कमेंट कीजिए रायपुर कौन सी स्टेट की राजधानी है। अब उसका नया नाम होगा अटल नगर, तो ये SSC RPF RRB के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, पूछा जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिए। और ये श्रद्धालुओं की वैन खाई में गिरी और 13 लोग मारे गए। चलिए और देखते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मैं आपको पूरा न्यूज़पेपर दिखा देता हूँ कि न्यूज़पेपर में जो आप देख सकते हैं कि मैं आपको जो जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू होती हैं वो मैं आपको सारी करवाता हूँ, लेकिन यार जो ऐसी चीजें जो हमारे एग्जाम में आएंगी नहीं वो फिर मैं आपको नहीं करवाता। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपको पूरा न्यूज़पेपर अगर अच्छा आता है, अगर काफी न्यूज़पेपर में खबरें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी, तो मैं आपको 35 मिनट के अंदर करवाता हूँ, 40 मिनट लग जाते हैं, 1 आवर भी लग जाता है, और यार कई बार न्यूज़पेपर ऐसी होता है तो 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं आपको अच्छे सेशन डेली करवा देता हूं, और आपको डेली चाहिए न्यूज़पेपर तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए कि सर डेली हमें न्यूज़पेपर दिया कीजिए। खास से आम हुआ विदेश मंत्रालय, तो पहले यार विदेश मंत्रालय में पहुंचने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, विदेश मंत्री से मिलने के लिए यार कई कई दिन लगाना पड़ता था लाइन में, कि यार हाँ अभी चक्कर काटने पड़ते थे कि विदेश मंत्रालय के, कि हाँ हमें विदेश मंत्री से मिलना। लेकिन जब से ये आए हैं, मैडम जी आए हैं, तो इन्होंने क्या किया कि इतना आसान कर दिया सारा कुछ, कि ट्वीट करो और इनको टैग कर दो या इनके ऑफिस को टैग कर दो। चलिए मैडम का नाम बताइए, विदेश मंत्री कौन है हमारी, बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर दीजिए। कई बार पूछा जा सकता है कि इनका नाम क्या है, या विदेश मंत्री का नाम क्या है, या फिर इनका नाम पूछ सकते हैं कि ये किस मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, तो अब इनको हैशटैग करो इनके नाम से करो या विदेश मंत्रालय के नाम से करो, तो इनके पास नोटिफिकेशन चला जाता है और ये जल्द ही रिप्लाई कर देते हैं। और नेक्स्ट है सजा पर अमल का सवाल, तो मध्य प्रदेश में भी एक बच्ची से दुष्कर्म के आरोप की मौत की सजा सुनाई है, तो अब देखते हैं इनको क्या होता है क्या नहीं होता है। यार ये मतलब हम बहुत पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ये ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। कारगर नजर आती विदेशी नीति, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कल आपको करवाया जाएगा अच्छे से, बिम्स्टेक, सारक और ब्रिक्स, ये तीनों चीजें करवाई जाएंगी, तो उसके बारे में ये भी मैं आपको बता दूंगा, आप पढ़िए थोड़ा सा। आज ये बताया जा रहा है कि आगे मतलब सऊदी अरब के प्रिंस से मिले हैं, UAE के जो प्रिंस से मिले हैं, इसराइल के, और फिर से अलग अलग धर्मों वाले देश से मिले हैं, मोदी जी सबसे मिलके आ चुके हैं, तो इनके जो मिलने पे 365 करोड़ रुपए खर्चा आया फ्रेंड्स, 365 करोड़ रुपए, जो इन्होंने 144 कंट्रीज में इन्होंने यात्राएं की हैं, तो 365 करोड़ रुपए लग गए इनके, ये भी याद रखिए। और ये सारी राजनीति की चीजें, ये हमारे काम की चीजें नहीं है। और ये बताया जा रहा है कि अफवाहों पर कैसे लगाम लगाई जाए, तो इनके लिए व्हाट्सएप ने अपडेट दी थी यार कि ब्लू टिक हो जाएगा, रेड टिक हो जाएगा, डबल रेड टिक, 3 टिक हो जाएंगे, आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, लेकिन किसी चीज का कोई मतलब वो नहीं हो पा रहा, एक्चुअल में ग्राउंड पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और ये अखबारों के अंदर ऐसे ऐसे आर्टिकल आते रहते हैं, आप पढ़ लीजिए, आप डेली देख सकते हैं ये। तो ये कह रहे हैं रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है यार रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, लेकिन राइटर कह रहे हैं कि हाँ, स्वरोजगार को आज देश में रोजगार दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण विकल्प माना जा रहा है, कि हाँ
खुद एक बिजनेस ज्वाइन की, कोई नया एक बिजनेस खड़ा कीजिए। अगर आप मतलब चार एम्प्लॉयज को रख रहे हैं तो आप उन चार को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और खुद अपने परिवार का भी जो मतलब पेट भर रहे हैं, तो आप रोजगार बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से ये बता रहे हैं राइटर। तो ये हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। और ये डॉक्टर सुबेराव जी कह रहे हैं सुरक्षित है देश के किराना स्टोर। जिन्होंने कहा है कि जो हमारे देश के किराना स्टोर है वो इतने महफूज हैं कि वो अपनी मर्जी से, अब हम जाएंगे वहां पे, जैसे कोई भी लगा लीजिए आप, मतलब अपने पे लगा लीजिए, आप लोग देख रहे हैं कई बार घर वाले देते हैं 1000 रुपया ले जा और जाके वहां पे जो मतलब चीनी लेके आ और साबुन लेके आ और कुछ भी कह देते हैं, 5-7 आइटमें गिनवा देते हैं। तो आप क्या करते हैं, इनको जाके बोल देते हैं कि ये आइटमें दे दीजिए, तो वो अपनी मर्जी से रेट लगा लेता है। चीनी अभी 31 रुपये चल रहे, वो आपको 32 लगा देगा, किसने कौन सा देखनी है वो 33 रुपये लगा देगा। और फिर मतलब इनको आप कुछ कहते भी नहीं, जो इन्होंने लगा दिया ठीक है, ये पर्ची देंगे आप पर्ची देखेंगे ही नहीं, और मतलब ये टोटल देखेंगे, टोटल देख के पैसे पे करेंगे। तो यार ये कह रहे हैं कि इतना इतना सुरक्षित है देश के किराना स्टोर कि इनकी मजबूत बहुत ज्यादा तकड़ी है, इनको हिलाना आसान नहीं है। इतना तो यार किसी बिजनेस में भी लोग भरोसा नहीं करते जितना किराना स्टोर पे करते हैं, तो ये राइटर बता रहा है। और अभी एलपीजी आयरन प्रेस आने वाली है, जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और फ्रेंड्स अब नीति आयोग के बारे में न्यूज़पेपर में आया हुआ, तो नीति आयोग के बारे में सारी चीजें आप नीचे कमेंट कीजिए, फिर कल आपको मैं बता दूंगा नीति आयोग कब बनाया गया। पहली बात तो नीति आयोग कब बनाया गया, नीति आयोग ने किस कमीशन को रिप्लेस किया है, किस कमीशन की जगह पर नीति आयोग आया, ये कब आया, और नीति आयोग के चेयरमैन कौन है। तो ये 3 क्वेश्चन है, प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, कल फिर मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। ईरान ने बनाया पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान कौसर। तो कई बार पेपर में क्या लिखा है कौसर, तो ये पूछा गया ये क्या है, भारत द्वारा निर्मित टैंक। दो अलग अलग 4 स्टेटमेंट हो गया, याद रखिए कि ये ईरान ने बनाया स्वदेशी लड़ाकू विमान। तो ये इमरान के राष्ट्रपति कौन है, हसन ईरानी जी, तो याद रखिए। और रूसी हैकर के निशाने पर थी अमेरिकी सीनेट की वेबसाइट, तो ये भी याद रखने योग्य बातें हैं फ्रेंड्स। चीन की $22 अरब की परियोजना रद्द करेगा मलेशिया, तो मलेशिया ने चीन की जो परियोजना उनको रद्द करने की बात की गई है। तो आप मुझे बताइए कि बीजिंग चीन के राष्ट्रपति का क्या नाम है और जो बीजिंग मलेशिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो दोनों के राष्ट्रपति के नाम बताइए फ्रेंड्स, नीचे कमेंट कीजिए, कल फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये यार बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और मैं एशियन गेम्स के बारे में पहले सब कुछ आपको बता चुका हूं, किसी को कोई डाउट या क्वेरी तो प्लीज पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। चलिए नीचे कमेंट कीजिए कि सबसे मतलब कि जो पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है बॉक्सिंग के अंदर, पहली भारतीय महिला कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर जरूर आएगा फ्रेंड्स। अब आप इसका आंसर नहीं करेंगे कमेंट, तो कल आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आप खुद देखेंगे यार ये क्वेश्चन आ गया और मुझे इसका आंसर नहीं पता, क्योंकि मैंने सर के कहने पे इसका आंसर कमेंट नहीं किया था और मैं भूल गया हूँ। इतिहास का पहला हवाई हमला 1849 में हुआ, याद रखिए। और चंद्रयान 1 ने की चांद पर बर्फ की पुष्टि, तो चंद्रयान 1 अमेरिका ने भेजा था। चलिए नासा की फुल फॉर्म बताइए, नासा की फुल फॉर्म बताइए, और नासा का जो चेयरमैन कौन है, क्योंकि मैं नासा का जो फुल फॉर्म पूछ चुका हूँ पहले, जल्द दोबारा बता दीजिए, नासा कब बनाया गया वो भी मैं पूछ चुका हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज दोबारा कमेंट कीजिए, कल फिर मैं आपको बता दूंगा। और नासा का चेयरमैन कौन है वो भी याद रखिए आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ये है डैन्यूब नदी, तो डैन्यूब नदी कहाँ है ये आपसे पूछा जाएगा, हंगरी के अंदर, और जो है बुडापेस्ट, तो बुडापेस्ट हंगरी की कैपिटल है, तो याद रखिए फ्रेंड्स, तो ये काफी अच्छा नजारा देख लीजिए। दक्षिण भारत में तेजी से बंजर हो रही है उपजाऊ भूमि, तो दक्षिण भारत के अंदर ये बुरा हाल है। आंध्र प्रदेश कर्नाटक और तेलंगाना में भारतीय शोधकर्ताओं ने एक ताजा जन्म में सामने आए चिंताजनक परिणाम, तो यार ये बुरा हाल है क्योंकि हम इतना ज्यादा यूज किए जा रहे हैं। चलिए इसके बारे में जब और आर्टिकल आएगा तो हम बात कर लेंगे। अगर आप लोग यूपीएससी पीपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस हरियाणा पुलिस हरियाणा सिविल सर्विसेज, तो फ्रेंड्स प्लीज लेट मी नो, मुझे बताइए क्या आंसर, मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे आपकी हेल्प की जरूरत, तो मैं आपको हर चीज प्रोवाइड करूंगा यार। बकायदा आप मुझे बताइए तो सही आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम है जीएस राय, आज 22 अगस्त थी, और अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद है इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए दूसरों के साथ, ताकि दूसरों का फायदा हो जाए। और किसी को डाउट करिए तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।